हेलो गाइस, आप सब लोग जानते हैं मेरा नाम है विजय कुमार। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए कैपेसिटर्स की प्रॉब्लम्स लेके आया हूं। आप सभी को मालूम है कि जो कैपेसिटर होता है वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो जेई एग्जाम के लिए हो चाहे वो नीट के लिए हो। तो दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों के बाद आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कैपेसिटर की प्रॉब्लम्स, लेकिन वो पीपीटी में नहीं सॉल्व कर रहा मैं। आज हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस बोर्ड पर, और ये बोर्ड स्मार्ट तो नहीं है, पर आप लोगों को क्वेश्चंस करने के बाद ये स्मार्ट बना देगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात ये है, बहुत बेसिक सी बात करते हैं, कैपेसिटर का यूज क्या होता है, कैपेसिटर करता क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का यूज क्या होता है। आपके घर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे होते हैं, आपके घर में ट्यूबलाइट्स होंगी, फैंस होंगे, कूलर होंगे, एसी होंगे, इन सभी को चाहिए होती है इंस्टेंटेनियस पावर। जैसे आपको कई बार होता है ना कमजोरी सी महसूस होती है, तो हम लोगों को चाहिए होती है, हम लोगों को चाहिए होती है इंस्टेंटेनियस एनर्जी, इंस्टेंटेनियस पावर। और उसके लिए लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं ग्लूकोन डी का। इसी प्रकार से हमारे घर में जो डिवाइसेस लगे होते हैं उनको भी तो पावर चाहिए। जो घर में एसी होता है वो इतना हाई पावर डिवाइस है, वो स्मॉल करंट से ऑन नहीं हो सकता। तो अगर अपने घर में एसी को, टीवी को, फ्रिज को, जितने भी हाई पावर डिवाइस हैं, उनको ऑपरेट करना है, तो उनको चाहिए बहुत ही ज्यादा पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, जो कि लार्ज अमाउंट में हो। और वो सिंपल से उपकरण आपके घर में फ्लो करता ना, वो प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो ये एनर्जी प्रोवाइड कौन करता है, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है कौन, कैपेसिटर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो दैट इज द यूज ऑफ कैपेसिटर, कि हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगे होते हैं उन्हें कैपेसिटर इसलिए लगाते हैं कि वो उन सभी डिवाइसेस को एक इंस्टेंटेनियस एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो दैट इज द यूज ऑफ द कैपेसिटर। अब हम सभी को मालूम है जो कैपेसिटर होता है, उसकी जो कैपेसिटेंस होती है, सभी को भागना पता है कि ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है, पता ना सभी को, आपको भी पता, मुझे भी पता है। इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो हाफ सीवी स्क्वायर होती है, यह भी सभी को मालूम है। तो इसके अंदर की जो एनर्जी स्टोर्ड है वो हाफ सी वी स्क्वायर है, इसकी जो कैपेसिटेंस है वो ए एप्सिलॉन बाय डी है, ये सारी बातें हमें पता है। पर आपके कंपटीशन एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बताओ, इसकी एनर्जी बताओ। ठीक है, कैपेसिटर में जो ढंग सा क्वेश्चन आएगा ना, वो कैसा क्वेश्चन आएगा, चलो हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक, और उस टॉपिक पर आज हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो जो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस कर रहा हूं, देखो क्या है, मेरे टॉपिक का नाम है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बाय द हेल्प ऑफ अदर कैपेसिटर, ये टॉपिक का नाम है। मुझे एक कैपेसिटर की चार्जिंग करनी है बाय द हेल्प ऑफ द अदर कैपेसिटर, या पहले चलो बैटरी से करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ द बैटरी। मुझे एक कैपेसिटर की चार्जिंग एक बैटरी से करनी है। अब अगर मुझे एक कैपेसिटर की चार्जिंग बैटरी से करनी है, बैटरी की खास बात क्या होती है, बैटरी की सबसे खास बात क्या होती है, कि मान लो सपोज करो कि मेरे पास ये कैपेसिटर है और मैंने इस कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। सपोज करो मान लो ये की है, मतलब इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सी है, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, और मान लो सपोज करो ये जो की है ना अभी ओपन है, अभी की ये ओपन है, तो अभी तो इसमें कोई चार्ज स्टोर्ड नहीं हुआ, अभी कैपेसिटर अनचार्ज हुआ और बैटरी ओपन फॉर्म में है। पर अगर मैं इसी की को ऑन कर दूं, तो बैटरी की सिर्फ एक ही चाहत होती है, बैटरी सिर्फ एक ही चाहत रखती है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का होना चाहिए, ध्यान से सुनना पॉइंट, इसको आप लोग नोट्स में यूज कर लेना, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस एक बैटरी का होता है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस वो कैपेसिटर के अक्रॉस डेवलप कर देती है। अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो इसकी चाहत भी यही है कि अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो इसके अक्रॉस भी जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा, डेवलप होगा, वो भी किसके बराबर होगा, वी के बराबर ही होगा। तो जैसे इसकी कौन करूंगा तो इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ, और वो भी किसके बराबर हुआ, वी के बराबर हुआ, और ध्यान से देखो पैरेलल था, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां का हुआ वो यहां का हुआ। और जब ये इसकी चार्जिंग करेगी
तो चार्ज कैसे फ्लो होता है पता आप लोगों को? एक कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है? इतना तो मुझे पता है कि अब यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया V, और चार्ज का फॉर्मूला होता है क्यू बराबर में C, और हम सभी को पता है कि इस पे चार्ज आएगा प्लस सी वी और इस पे चार्ज आएगा माइनस सी वी। लेकिन चार्ज आता कहां से है? क्या बैटरी इज अ सोर्स ऑफ चार्ज या बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी? बैटरी किस चीज का सोर्स है? वो एनर्जी का सोर्स है या वो चार्ज का सोर्स है? तो ध्यान रखना, चार्ज का सोर्स नहीं है बैटरी, चार्ज प्रोवाइड नहीं करती है बैटरी, प्रोवाइड करती है एनर्जी पार्टिकल्स के मूवमेंट के लिए, उसके चलने के लिए एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करती है ताकि पार्टिकल्स चल सके। तो ये जब कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ते हैं तो चार्ज कैसे डेवलप होता है? जैसे ही इस बैटरी को आप इससे जोड़ते हो ना, एट द सेम टाइम क्या होता है, इस पॉजिटिव एंड पे क्योंकि इसका पोटेंशियल हायर है, तो ये क्या करता है, ये जो प्लेट्स होती है ना वो कैसी प्लेट्स होती है, मेटालिक प्लेट्स होती है, इनके इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे करके खींचना शुरू कर देता है ऐसे करके, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे यहां से बाहर निकलने शुरू होते हैं। जैसे इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते रहेंगे, ये प्लेट कैसे बनती रहेगी, पॉजिटिवली चार्ज बनती रहेगी, और जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स आते रहेंगे, बैटरी तो पूरी न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल। अब बैटरी अगर न्यूट्रल होती है तो जैसे ही इसके अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इसमें एंटर करेंगे, इसमें से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे और इसको दे देंगे, तो ये प्लेट कैसे बन जाएगी नेगेटिवली चार्ज और ये प्लेट कैसे बन जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। कुछ समझाई बात? ऐसे कैपेसिटर की चार्जिंग होती है। हम तो आजकल खाली ये पढ़ते ना, आज तक भाई कैपेसिटर लगा दिया, बैटरी लगा दी, बैटरी ने चार्ज दे दिया, ऐसा नहीं होता। ऐसे होता है, दैट इज द प्रॉपर फंक्शनिंग। एक कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है? बाय द हेल्प ऑफ द बैटरी। ये तो बिल्कुल इसका बेसिक पार्ट था, बेसिक फिनोमेना था। बहुत सारे लोगों को बात मालूम नहीं हो, मालूम होगी, और जिनको बात मालूम नहीं है प्लीज इस वाले पॉइंट को कंसीडर करें, इसको नोट भी कर लें कि एक कैपेसिटर का एक बैटरी से जब चार्जिंग करते हैं तो किस प्रकार से चार्जिंग होती है, उसका तरीका ये हो गया। क्या सभी को बात समझ आती है? क्या सभी को पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट है तो आप मुझको कमेंट्स में दे सकते हैं, ठीक है? या फिर जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसका नाम क्या है, सभी लोग ज्वाइन कर लें, उसका नाम है @VKTK31। इसको जरूर ज्वाइन कर लें। और सबसे मेन बात है कि आपके लिए मैं डेली बढ़िया बढ़िया लेक्चर से लेके आऊं, बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट से लेके आऊं, और एक प्रॉपर सिलेबस शुरू करने वाला हूं मंडे से या ट्यूजडे से, मे बी मोस्ट प्रोबेबली ट्यूजडे शुरू करूंगा मैं। पर उसके लिए आपको जो अपना यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करना भाई, इतना सब्सक्राइब करना है, उसको आग की तरफ ला देना जी, आग से भी ताज, तेज स्पीड से, स्पीड ऑफ लाइट से सब्सक्रिप्शन से चला जाइए, ठीक है? तो चलो अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं बढ़िया सा, कि ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैपेसिटर की चार्जिंग बैटरी की हेल्प से होती कैसे है, लेकिन अब मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूं कि वो क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो सॉल्व कैसे करते हैं। जब एक कैपेसिटर का बैटरी से चार्जिंग वाला क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या हुआ, उससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है? चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लो अपना एक क्वेश्चन आता, सपोज करो एक एग्जाम्पल लेते हैं, बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो अपना क्वेश्चन ये आता है, मान लो आपसे बोला जाता है कि हमारे पास एक मान लो ये कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस इसकी सी है, ये बैटरी है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, और मैंने इस बैटरी से इस कैपेसिटर की फुली चार्जिंग कर दी, फुल चार्ज कर दिया। फुल चार्ज होने का मतलब यह है कि अब इसके चार्ज बन जाएगा प्लस सी वी और इसका चार्ज बन जाएगा माइनस सी वी। कंप्लीट चार्जिंग होने के बाद मैंने अब इस कैपेसिटर को बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है? समझाती है बात? अब जब मैंने इसकी पूरी चार्जिंग होगी, चार्जिंग कंप्लीट होगी, तो चार्जिंग कंप्लीट होने के बाद मैंने इस कैपेसिटर को इस बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया। अब मैंने इसी कैपेसिटर को चार्ज हो चुका, ऑलरेडी चार्ज हो चुका, मतलब कि अब इस प्लेट पे चार्ज है प्लस में सीवी और इस पे चार्ज कितना है माइनस सीवी। अब मैंने इसी कैपेसिटर को ना एक दूसरी बैटरी से जोड़ दिया, दूसरी बैटरी से जोड़ दिया, और मतलब उस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2V है। तो मैंने इसी कैपेसिटर को क्या किया, मैंने इसी कैपेसिटर को जिस पर ऑलरेडी चार्ज यहां पर प्लस सी वी है, यहां पर माइनस सी वी है, मैंने इसी कैपेसिटर को एक और बैटरी से जोड़ दिया। बस फर्क यह है कि इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 2V है। अब मेरा क्वेश्चन यह है, या एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकता है वो यह है
कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट इन दैट प्रोसेस, इस प्रोसेस में टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस कितनी होगी। ठीक है, अब देखो ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं। आपको बताया कि मैंने बैटरी की सिर्फ एक ही चाहत होती है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का हुआ उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस वो कैपेसिटर के अक्रॉस मेंटेन करना चाहती है। तो अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस 2V है तो यहां पर भी क्या कर देगी, 2V का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर देगी। ठीक है, अच्छा सोचो देखो आप, अगर दो मिनट के लिए मान लें ये कैपेसिटर चार्ज नहीं होता, सपोज कर लो कि अगर ये कैपेसिटर चार्ज नहीं होता और हम इसको 2 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते तो इसमें चार्ज कितना होता, 2CV। कैपेसिटर तो सी है, बैटरी 2V है, इस पे चार्ज होता +2CV और इस पे चार्ज कितना होता -2CV। और फाइनली होना भी यही है, जैसे मैं इसकी को क्लोज कर दूं फाइनली फिगर आनी भी यही है। अब अगर फाइनल फिगर ही आ रही है तो ऑलरेडी इसके पास +2CV चार्ज था और जब इसकी को क्लोज कर देंगे तो ये चार्ज कितना हो जाएगा, +2CV में बदल जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इस बैटरी ने इस कैपेसिटर को कुछ एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई किया, कितना एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई किया उसकी भी कैलकुलेशन कर देते हैं एक बार। तो इस कैपेसिटर ने, इस कैपेसिटर को इस दूसरी बैटरी ने कितना एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई किया है आप निकाल सकते हैं, पहले +CV था +2CV है, तो जो एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई किया है, जो एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई किया है, एक्स्ट्रा चार्ज वो सप्लाई कर दिया इसने CV। अब अगर इस बैटरी ने इस कैपेसिटर को एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई किया है CV, तो इसको सप्लाई करने में कुछ वर्क भी तो किया होगा, कितना वर्क किया होगा, वर्क कैसे निकालते हैं, वर्क का फॉर्मूला होता है चार्ज प्रोवाइड, जितना चार्ज एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया है दैट इज द CV इनटू में पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी, और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है 2V। तो कितना वर्डन किया है बैटरी ने, यह वर्डन बाय बैटरी है और यह हमारे पास आ गया 2CV2। So that is the extra charge given by the battery. This is the extra work done by the battery during this process. इतना बैटरी ने काम किया, क्या वास्तव में होती है। अच्छा, इस कैपेसिटर में इस की को करंट करने से पहले भी ऑलरेडी एनर्जी स्टोर थी और ये जो एनर्जी स्टोर थी वो थी ½CV। तो बैटरी ने इतना एक्स्ट्रा वर्कन किया और इतनी इस कैपेसिटर में ऑलरेडी पहले से एनर्जी स्टोर थी। इसका मतलब कि इस फाइनल इमेज के अंदर इसके पास जो एनर्जी स्टोर होनी चाहिए वो इन दोनों का सम होना चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी पहले से स्टोर थी और इतना एक्स्ट्रा वर्डन किया तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन दोनों की सम के बराबर होनी चाहिए थी। अगर मैं इन दोनों का सम कर दूंगा तो 2CV² में से हाफ को जोड़ दो कितना आएगा, 5/2 जाएगा। मतलब इसके पास जो टोटल एनर्जी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 5/2CV², इतनी एनर्जी होती है इस कैपेसिटर के पास। पर इसके पास एनर्जी है कितनी, इसके पास जो फाइनल एनर्जी है वो कितनी है, फॉर्मूला लगा दो, किसी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है ना वैसे फॉर्मूला होता है ½CV² हमने फॉर्मूला पढ़ा, आप गलती ना कर जाओ तो फॉर्मूला यूज करना Q² / 2C, क्यू जिसके पास चार्ज है अपॉन में 2C, तो क्यू इसके पास जो चार्ज है वो कितना है 2CV, तो 2CV का स्क्वायर Q² अपॉन में 2 और इसकी कैपेसिटेंस C। अब ध्यान से देखो, यह आएगा 4CV का स्क्वायर और अपॉन में 2C, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 2CV² इतनी एनर्जी होनी चाहिए थी और इतनी एनर्जी इसके पास है, तो बाकी एनर्जी कहां गई, ये 2.5 है ये 2 है, तो बाकी एनर्जी कहां चलेगी, बाकी एनर्जी क्या होगी भाई, लॉस होगी। तो दैट इज द लॉस ऑफ एनर्जी, इक्वल्स टू माइनस कर दोगे तो ½CV² आंसर आ जाएगा। तो दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चंस आपके जब नीट के एग्जाम में आया टफ कैटेगरी में आता है, टफ कैटेगरी में क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चंस पहले एम्स के एग्जाम में आया करते थे, अब नीट एम्स मिल के दोनों में प्यार हो गया। ठीक है, तो हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन आपको इस कैटेगरी के मिल जाए, पर इसके लिए प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी और ये क्वेश्चन नीट के लिए तो है ही, जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपके जेई के एग्जाम में भी आते हैं, नीट के एग्जाम में भी आते हैं, बोर्ड में नहीं आते यार, वरना बोर्ड का बच्चा तो भाग जाएगा, उपद्रव कर देगा। ठीक है, सबको पॉइंट क्लियर है।
सबको बात सुन आ गई, प्लीज नोट कर लो, ठीक बिल्कुल, तो ध्यान से नोट कर लेना, फोकस्ड होकर नोट कर लेना, कोई भी डाउट हो मेरे से पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में डाउट्स लिख देना, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। पर आपने इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलो मैं इसमें एक एग्जाम्पल छोटा सा आपको देता हूं, वन मोर एग्जाम्पल, अपने एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल है। और ये जो एग्जाम्पल मैं एक्सी वर्मा से ले रहा हूं, एक्सी वर्मा बुक से एक बहुत ही बड़ी एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, उसके अंदर भी एग्जाम्पल है, मैं यहां पर भी एग्जाम्पल ले रहा हूं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कि हमारे पास एक केमिस्टर है, इस पेन की तो इंक चली गई, हमारे पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस इसकी सी है, बैटरी का पोटेंशियल वी है, और इसकी हमने कंप्लीट चार्जिंग कर दी। अच्छा, इसकी जैसे मैंने कंप्लीट चार्जिंग कर दी होगी, फिर क्या होगा, इस पे चार्ज स्टोर हो गया, इस पे चार्ज कितना आया हुआ प्लस सी वी, और इस पे कितना आया हुआ माइनस सी वी। वंस अगेन मैंने इस कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, और डिस्कनेक्ट करने के बाद मैंने इस कैपेसिटर को द्वारा इसी बैटरी से उल्टा करके जोड़ दिया। उल्टा करके मतलब समझते हो, उल्टा करने का मतलब है कि मैंने इसी कैपेसिटर को द्वारा से जोड़ दिया इसी बैटरी से, बस इस बार फर्क यह था कि इसके नेगेटिव पोल को यहां पर रखा और पॉजिटिव पोल को यहां पर रखा, उल्टा करके जोड़ दिया। अब कितनी एनर्जी लॉस होगी, क्या आप ट्राई करोगे क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। तो अगर मैं इस कैपेसिटर को इसी बैटरी से द्वारा जोड़ दूं पर उल्टा करके जोड़ दें, तो इस वाले केस में कितना एनर्जी लॉस होगा, मुझे द्वारा से एनर्जी लॉस निकालना। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फिर से वही तरीका, फाइनल स्टेज बताओ डायग्राम क्या बनेगा, फाइनल स्टेज, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा अब फाइनल स्टेज का डायग्राम बनाओ, जब फाइनल स्टेज का डायग्राम बनाओगे तो ऐसा बन जाएगा कि फाइनल कंडीशन ये होगी कि ये कैपेसिटर है, ये बैटरी है, इधर चार्ज आएगा प्लस सीवी, इधर आएगा माइनस सीवी, और बैटरी का पोटेंशियल इधर आएगा। तो पहले इस वाले प्लेट पर चार्ज कितना था, पहले इस पे चार्ज था माइनस सीवी, अब कितना है प्लस सीवी, तो बैटरी ने कितना चार्ज इसको एक्स्ट्रा दिया, व्हाट इज द एक्स्ट्रा चार्ज गिवन बाय द बैटरी, माइनस सीवी को प्लस सीवी में चेंज कर दिया, तो कितना चार्ज दिया, अगर ना कैलकुलेट कर पाओ तो ऐसे कर लेते, माइनस सीवी चार्ज पहले था, एक्स्ट्रा चार्ज मान लो एक्स दिया, अब चार्ज हो गया प्लस सीवी, इसको ढाल इधर ले जाओ, तो कितना चार्ज प्रोवाइड किया 2CV। तो बैटरी ने कितना वर्क किया, वोल्टेज में बैटरी निकालो, अगर वोल्टेज में बैटरी निकालोगे तो चार्ज दिया 2CV, बैटरी का पोटेंशियल V, तो वोल्टेज कितना हो गया 2CV। अच्छा वैसे इनिशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, इस कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ CV इसके, इतना बैटरी ने एक्स्ट्रा वोल्टेज किया, तो टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए इन दोनों का सम, और इन दोनों का सम कितना हो गया, द्वार से 2.5 CV, इतनी एनर्जी होनी चाहिए। पर फाइनल स्टेज में फाइनल एनर्जी क्या होगी, चार्ज तो फाइनल प्लस सीवी है, और चार्ज अगर फाइनल प्लस सीवी है तो फाइनल एनर्जी भी क्या होगी, हाफ सीवी स्केल होगी। तो इतनी एनर्जी है और हमारे हिसाब से इतनी होनी चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग इतनी होनी चाहिए थी, पर है तो इतनी, तो जो डिफरेंस है वही एनर्जी लॉस है। तो एनर्जी लॉस का मैं आपको सीधा फार्मूला देता हूं, एनर्जी लॉस का सीधा फार्मूला हो गया कि आप जब भी ऐसा क्वेश्चन करें, जब भी ऐसा क्वेश्चन करें ध्यान से नोट कर ले एक बार, ठीक है, स्क्रीन पॉज कर ले, ध्यान से नोट कर ले एक बार, और ऐसे क्वेश्चन ट्राई करें जिससे भी, तो सीधा फार्मूला बता रहा हूं, समझ देख लिया हो प्रॉपरली, तो सीधा फार्मूला है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन करें, सिस्टम की इनिशियल एनर्जी निकाल ले कैपेसिटर की, उसमें कितना बैटरी ने वर्क किया है वो जोड़ दे, ये सिस्टम की बन जाएगी टोटल एनर्जी कितनी होनी चाहिए, फिर इस कैपेसिटर की निकाल दे फाइनल एनर्जी जो भी होगी, और फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल दे, और हमेशा फाइनल एनर्जी कम आएगी, डिफरेंस निकालेंगे वो कहलाएगा एनर्जी लॉस। क्या सभी को पॉइंट क्लियर है, या कुछ बात पल्ले पड़ी है, कुछ बात दिमाग में आई है, टफ लग रहे क्वेश्चन, टफ तो नहीं है, प्रैक्टिस की जरूरत है, और जितना प्रैक्टिस आप करते रहेंगे मेरे साथ मिलके उतना आपके कॉन्सेप्ट्स बढ़िया होते रहेंगे। तो बाकी मैंने सोच लिया भी कि मंडे या ट्यूजडे से हम लोग प्रॉपर एक कोर्स शुरू करेंगे, प्रॉपरली कोर्स करेंगे, आपने डेली रेगुलर आना है,
पर वो कोर्स में आपको मेरी और मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं कोर्स बनाऊंगा, आपने कोर्स को अप्रिशिएशन देना, अपना प्यार देना। कैसे? चैनल को सब्सक्राइब करके और मैक्सिमम लाइक देके, अभी फटाफट लाइक कर दे। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक देने हैं, और लाइक के अलावा बढ़िया कमेंट्स देने हैं, और इसके बाद आपने हिट द बेल आइकन, चैनल को सब्सक्राइब मैक्सिमम से मैक्सिमम करना है। अब मैं आपके लिए एक और बढ़िया से वीडियो लेकर आऊंगा, वो भी कैपेसिटर का ही होगा, क्योंकि कैपेसिटर में बहुत सारे फंडे हैं। अभी मैंने कैपेसिटर की चार्जिंग किससे की है? बैटरी से की है। अभी कैपेसिटर की चार्जिंग कैपेसिटर से करेंगे, फिर सिमेट्री वाले क्वेश्चंस कर लेंगे। तो आपके लिए मैं कल 2-3 वीडियो बनाने वाला कैपेसिटर के, 2-3 वीडियो कैपेसिटर के बनाने वाला हूं। पर उससे पहले इसको सब्सक्राइब करो, इसको मैक्सिमम लाइक करो। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। वंस अगेन टिल देन गुड बाय, शब खैर, शुभ रात्रि। बाइक जा रही है, टिक टॉक।